नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित इस वक्त में खड़ा हूँ एसी लोकल ट्रेन में जो विरार से छुट्टी है अभी पहुंचेगी उस मैदान पे जहां पर उद्धव बाला साहब ठाकरे की आज हुंकार होगी। वो आज उस सभा से गर्जना करेंगे और तय करेंगे आखिर प्रमाणित शिवसेना कहां पर है। एक तरफ शिंदे की सेना और एक तरफ उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, इस तरफ हमारे साथ उपस्थित शिवसैनिक। हालांकि आप इस लोकल ट्रेन में कोई नहीं बाकी है जहाँ पर शिवसैनिक उपस्थित नहीं है। मनीष वैद्य उपस्थित है हमारे, उनसे बात करते हैं। मनीष जी, कितना कट्टरता है, क्या जोश है, क्या जुनून है आज इस पूरी यात्रा में? जोश आप तो देखते होंगे, आज बाला साहब के ऊपर प्यार करने वाले, शिवसेना के ऊपर प्रेम करने वाले और उद्धव जी के ऊपर प्रेम करने वाले सैनिक नहीं, जनता भी पार्क में वहाँ पे शिव तीर्थ में मिलेंगे। एक तरफ शिंदे की भी बीकेसी में सभा है और एक तरफ आपकी, किसको मानते हैं प्रमाणिक शिवसेना कौन सी? आपने न्यूज देखा है, सबने न्यूज में देखा है कि सब दूंगा कपड़ा दूंगा, ये बाला साहब के ऊपर उद्धव जी के ऊपर क्या कहेंगे से आएंगे? कुछ भी संकट हुआ है तभी सुशन ताकत से खड़ी हुई है और आज भी आप देख रहे हैं कि आज पक्ष के ऊपर कुछ संकट आया है, जबकि हम तो कोई संकट मानती नहीं उस चीज को, पर आज पूरी वसे तालुका के पूरे जो युवा है, जो शिवसेनिक है, महिला आघाड़ी है, ये पूरे जोश से उतरे है। और आपको मैं कहना चाहता हूँ, ये जो नहीं है, ये वर्कर्स नहीं है, ये प्योर शिवसैनिक और असली शिवसैनिक और निष्ठावंत शिवसैनिक है। वो भी कह रहे हैं निष्ठावंत वहाँ भी है, वो कह रहे हैं कि पूरी तरह हिंदुत्व ने ठाकरे ने हिंदुत्व बड़ी चालीस आमदार को जाना पड़ा, ये स्थिति पैदा होनी पड़ी, सभा हो रही है, उनका कहना ये है। तो किसको प्रमाणिक मानते हैं आपको एक चीज बोलूंगा, जब भी आप कार्बन यूज करते हो, आप जब भी आप रेड पेन से लिखते हो तो रेड पेन शिवसेना है और उसके नीचे कार्बन जो क्या होता है, काला होता है। तो कौन सा मेन है, कौन सा काला रहता है, ये आपको मालूम है। कौन सा मिट सकता है, कौन सा नहीं मिट सकता है, ये आपको बोलने की जरूरत नहीं। मुझे क्या संदेश दे रहे हैं? संदेश आपको ये कि जो कट्टरवादी के, जो बाला साहब ने जो इतने साल से जो परंपरा शुरू की है कि दशहरा मेला में सब पूरे महाराष्ट्र के शिवसैनिक, और आपको मैं कहना चाहूंगा कि ये टाइम महाराष्ट्र के नहीं तो ये पूरे इंडिया के, मतलब झारखंड से आए हैं, पंजाब से आए, बहुत सारे लोग यहाँ से सभा के लिए आए, आप देखे रहेंगे न्यूज उसमें क्या कहेंगे। ये हम माने ये शिव सैनिक शेर पहुंच रही है, विकले लेते तो अपन काल पासून बघतोच आहे जे चाललंय ते, सगळ्या मीडिया तुम्ही दाखवतात की काय चाललंय, खोके आहेत की ओके आहेत ते, पण हे जे आहे ते अख्खी जी ट्रेन, अजून याच्या मागीची पण ट्रेन, आम्ही सगळे शिवसेनेचे निष्ठावंत आहेत आणि निष्ठावंतच राहणार। अट्ठावन साल से जो बाला साहब ने शिवसेना खड़ी की है, अट्ठावन साल का जो बाला साहब ने मेहनत की है उसका नतीजा आज ये जो फल दिख रहा है ना, ये दिख रहा है। वो चोर लोग जो थे ना, उन लोगों ने गद्दार करके भाग गए। अरे उन लोग अगर शिवसेना होते ना तो पीछे से वार नहीं करते। बाला साहब ने बोला है, उद्धव साहब ने भी बोला है जिसने पीछे से वार किया ना उसका पेट फाड़ दे दो और उसका निकाल दे दो बाहर। ये उद्धव साहब ने भी बोला, बाल साहब का कैरी फॉरवर्ड उद्धव साहब ने किया और उसके बाद आज हम लोग भी वही करने वाले, हम लोग भी वही लेने वाले नहीं। ना मारने का क्या सवाल मानेंगे है? नहीं मानेंगे, नहीं हम मानेंगे नहीं। गद्दारों का जगह, गद्दारों की जगह जगह दिखानी चाहिए, दिखा के रखेंगे। ये शिवसेना है, यहाँ पर आप क्या कहेंगे? आप जिस तरह से विरार से लेकर यहाँ तक किया था, क्या जोश है आपके? आज देख रहे हैं आप, जैसे कि दशहरा मेला हुआ है और ये पारंपरिक दशहरा मेला हुआ शिवाजी पार्क पे माननीय जी उद्धव साहब ठाकरे का। आज सवेरे से वसे विरार से गाड़ियाँ भर भर के जा रही है, ये लोग जो जा रहे हैं प्यार से जा रहे हैं, जो मोहब्बत करते हैं उद्धव साहब से और एक निश्चय उद्धव साहब से साथ है, शिवसेना साथ है, पकड़ पकड़ इधर बिल्कुल नहीं। आप यहाँ से यहाँ पे बुजुर्ग लोग है, बच्चे लोग है, गले में सबके स्कार्फ है, आप पूछ सकते हैं सब, ये सब कट्टर शिवसैनिक है, निष्ठावान शिवसैनिक है। पापा खाक जा रहे हो पे। तो ये थे यहाँ शिवसैनिक और शिवसैनिकों का साफ तौर कि पूरी कट्टरता के साथ बाला साहब
उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ खड़े रहेंगे। एंटी करप्शन न्यूज़ क्रिम सचिन दीक्षित।